द कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल डिफरेंट. अक्सर हम लोग कोटे की फिल्में जब दिखाते हैं, जो कोटे पे फिल्में बनती हैं, माफ़ी चाहता हूँ मेरा गला बहुत ख़राब है, हम हमेशा दिखाते हैं कि कोटे की जो मेन बॉस होती है वो बहुत ख़राब होती है, कोटे का माहौल बहुत ख़राब होता है, उनकी जो पारिवारिक ज़िंदगी है कोटे की ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है, लेकिन कई अच्छी चीज़ें हम लोग नहीं दिखाते. तो इस फिल्म में दिखाया है कि कोटे की लड़कियाँ कैसे एक फैमिली की तरह रहती हैं, कैसे एकजुट रहती हैं, और कोई समस्या में आती है तो पूरे कोटे वाली लड़कियां एक साथ हो जाती हैं, और अगर किसी कोटे वाली लड़की का किसी से प्रेम हो जाता है, वो घर बसाना चाहती हैं, तो कोटे वाली लड़कियां कैसे उसकी मदद करती हैं, उसका बॉस कैसे मदद करता है. ये तो हमने जितनी फिल्में देखी हैं उसमें दिखाया है कि बॉस शादी होने नहीं देता है, टॉर्चर करता है लड़की को, मारते हैं, ज़बरदस्ती उस पर ग्राहक की बौछार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. असली ज़िंदगी में कोठे वाली भी लड़कियां जो होती हैं उनकी भी अपनी ज़िंदगी जो अच्छी भी है. हम कोठे वाले के नाम पे सुनते ही सोचते हैं कि बहुत बुराई का रास्ता है, लेकिन कई कोठे वाली लड़कियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ नाचती हैं लेकिन अपने कैरेक्टर को कभी बेचती नहीं है. तो मेरा जो रोल है वो एक बिजनेसमैन का है जिसका खुद का परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन वो कोठे पे जाने का शौकीन है, उसकी एक ही हॉबी है कि कोठे पे जाए, नाच गाना देखे, और इसी नाच गाने के दौरान उसकी मुलाकात हीरोइन से होती है जिसे पहली साइट में उसको प्यार हो जाता है. कहता है मैं सब कुछ बेच दूंगा, सब पैसा दे दूंगा, लेकिन ये लड़की मुझे चाहिए. उसके लिए उसके बॉस को बहुत पैसा देता है, उस लड़की के लिए उसको खरीदने की कोशिश करता है, और जिस दिन खरीद लेता है उस दिन उसको पता चलता है कि वो लड़की गर्भवती है, यानी कि प्रेगनेंट है. यहाँ पर एक कन्फर्मटेशन सीन होता है, फिर जहाँ पर इस आदमी को रियलाइज़ होता है कि जो उसके पेट में बच्चा पड़ रहा है वो उसके किसी की प्रेम की निशानी है, और जाते हुए उसको आशीर्वाद दे के जाता है और कहता है कि तुम तो गलत रास्ते कोटे पे पहुंच गई हो, लेकिन कोशिश करना कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है ये इस रास्ते में मत आए, और उसके लिए मेरी तरफ से कोई भी मदद हो, हेल्प हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसको आशीर्वाद दे के चला जाता है. डायरेक्टर वो अच्छा है, मैं पहली मरतबा काम कर रहा हूँ, गॉड ब्लेस हिम, और फर्स्ट डे मेरी शूटिंग है, मुझे पूरा माहौल अच्छा लग रहा है, सीमा विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ, कुलकर्णी के साथ काम कर रहा हूँ, जैकी शराफ फिल्म में है, तो आई फील द गुड एक्टर्स इन द फिल्म. अच्छा
ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है, मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। एक साल पहले उन्होंने सुनाया था, जो पहले जो जिन्होंने लिखा और डायरेक्ट करने वाले थे मनोज गायकवाड़, तो कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो इसीलिए। और उसमें मतलब साथ साथ रोल भी इंटरेस्टिंग लगे। इसमें इनिशियली देखने में तो लगता है कि बहुत ही नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर बाद में पता चलता है काफ़ी पॉजिटिव कैरेक्टर। अजीत, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये फिल्म कुछ देवदासी प्रथा को लेकर है, काफ़ी एक्सपीरियंस काइंड ऑफ मूवी है, आपको क्या खास बात पसंद आई जो आपने फिल्म को बनाया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये फिल्म साइन इसलिए की क्योंकि एक तो मेरे को एक्टर्स है सीमा बिस्वास और सोनाली कुलकर्णी। पहला सेल्फिश मोटिव लर्निंग माय जॉब, मुझे लगा कि शायद इनके साथ काम करके दैट वुड बी लाइक, मेरी ये पहली फिल्म है सो आई थॉट कि मेरा स्टेपिंग स्टोन वुड बी समथिंग वाओ। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि मोर देन एनीथिंग एल्स आई लाइक वर्किंग फॉर आर्ट फिल्म्स, आई डोंट लाइक ग्लैमर ओरिएंटेड स्टफ, आई लाइक परफॉर्मिंग। तो आई थॉट ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ आई कैन कन्वे अ मैसेज टू द ऑडियंस देन टू यू नो जस्ट डांसिंग अराउंड और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आई लव माई जॉब वेरी मच। मेरे शेड ये बेसिकली एक कोठा है, कोठे पे लड़कियाँ आपको पता है क्यों होती है ना, ये लड़की ऐसी है जो बचपन से यहीं पली बड़ी है और ये अलग है क्योंकि इसने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बाकी लड़कियों को ये कहना चाहती है कि रो धो के कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई तुम्हें यहाँ से ले जाएगा नहीं, कोई तुम्हारी बात सुनेगा नहीं, इससे अच्छा कि तुम रो ज़िंदगी भर, तुम इसे एक्सेप्ट करके इसे इंजॉय करना सीख लो। सो दैट्स रीज़न शी इज़ बेसिकली एक कैरेक्टर इन द फिल्म हु गेट्स लाइफ टू एवरीबॉडी। अरे कस्तूरी भाई, ऐसा ही चाहिए था तो गुस्से बात होती है और भी देखा किसी ने सच्ची कहा तुम मुझे आगे लगा रिमान देता ना पापा सच साई ये निकल तीन इंदर कई जगह वाले।